सिंदूर हर हिंदू नारी के वैवाहिक जीवन के पवित्र बंधन का प्रतीक होता है। सिंदूर को मांग में भर कर या बिंदी के रूप में लगाकर हिंदू नारी खुद को सौभाग्यशाली मानती है। सिंदूर जो है सुहागिन के लिए पति का लंबी आयु के लिए लगाया जाता है। सुहागिन यदि कोई भी स्त्री पूरा श्रृंगार कर ले और सिंदूर ना लगाए उसके बिना अधूरा है। महिला लोग को क्यों सिंदूर लगाना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं, सिंदूर लगाएंगे नहीं तो शादीशुदा कैसे पता लगेगा कि शादीशुदा है या नहीं? सिंदूर लगाने से होता है कि बाहर में निकलेगा तो उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, बोलेगा कि नहीं शादीशुदा है। और इसे कुंवारा लड़की को देखकर सब गलत गलत बात भी बोलते हैं, उसका हस्बैंड उसको साथ रहता है वो नहीं कुछ बोलता है। पुरुष जो है सिंदूर नहीं लगाते हैं तो उनका कैसे पता चलता है कि वो शादीशुदा है? तो ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिंदूर लगाएगा नहीं लगाएगा, ये तो लेडीज के ही दिया हुआ, जेंट्स के तो नहीं दिया। महिलाएं शादी के बाद सुहाग से जुड़ी चीजें धारण करती है पर पुरुष नहीं। यह एक तरह से पुरुषवादी सोच है जो महिला को बंधन में बांध कर रखती है, और यह बंधन इतना गहरा होता है कि महिलाएं भी इससे बाहर नहीं निकल पाती। क्या हुआ है आपको? सिंदूर लगाते हैं, अब सिंदूर का इन्फेक्शन है ना क्या है, सिंदूर में तो काला जैसा हो गया है सिंदूर लगाने से, वहाँ का बाल भी झड़ गया है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? अजीब तरह का लगता है, जैसे विधवा को ही देखने से लगता है उस तरह, अपने आप में भी मतलब एक ठो अंदर से खराब लगता है। ये जो है थोड़ा सा बीमारी के चलते अभी आगे ज़्यादा भी बढ़ सकता है, तो आपका क्या सोच है? हाँ फिलहाल अभी तो कम है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर छोड़ देंगे। कोई पूछेगा भी तो बोलेंगे कि नहीं भाई हमको इन्फेक्शन कर रहा है तो क्या करें। शादीशुदा का एक चिन्हानी मतलब यही नहीं ना है कि सिंदूर ही है, और भी तो है। मतलब समाज के भय से ही सोचे तो ये ऐसा करते हैं, मतलब लगाते हैं। बहुत पहले आदमी बोलता था कि सिंदूर लगाने से पति का आयु भी बढ़ता है, एक ठो मन में डर भी है कि नहीं लगाएंगे तो कुछ हो जाएगा ना क्या होगा, उससे अच्छा है कि हम ही को हो जाए। मैं इस वीडियो को इसलिए बनाई क्योंकि हमारे समाज में लोगों का देखने और सोचने का नज़रिया बदलने से महिलाओं के ऊपर हो रहे दबाव कम हो सकते हैं। मैं भारती पदुगड़ा धनबाद झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।